हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली लुक लेकर आई हूँ जो आप आसानी से अपने घर पे ही कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डेली फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया हुआ है। आज मैं करेक्टर के बिना ही मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे अभी ज़्यादा डार्क सर्कल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप कंसीलर के साथ मैंने शुरुआत की है। मैंने स्किन को प्रेप पहले से कर लिया हुआ था। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज मैंने पहले से करके रखा हुआ है और प्राइमर लगा के रखा हुआ है। मैं डायरेक्ट कंसीलर से शुरुआत कर रही हूँ। तो ये मैं जहाँ जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल है, वहाँ वहाँ पर मैंने कंसीलर लगा लिया। अब मैं मेबलिन का फाउंडेशन अपने पूरे फेस पर अप्लाई करने लगी हूँ। मैंने कंसीलर को लगा के 1 मिनट का वेट किया हुआ है। अब मैं फाउंडेशन का पूरे फेस पे लगा रही हूँ और आपको इसको ब्लेंड करते हुए डैब डैब करके इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। जहाँ जहाँ पे आपका कंसीलर नहीं लगा हुआ वहाँ पे आप स्ट्रोक दे सकते हो। जहाँ पे आप कंसीलर या करेक्टर लगाते हो वहाँ पे हमेशा फाउंडेशन को डैब डैब करके ही सेट करना चाहिए। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट कर रही हूँ ताकि कहीं पर भी हार्श एजेस ना लगे या हार्ड लाइन्स ना दिखे और अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड भी हो जाए। इसके बाद मैं उसको लूज़ पाउडर से, मैंने क्रायलॉन का यहाँ पे लूज़ पाउडर लिया, लूज़ पाउडर से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ। फाउंडेशन को लूज़ पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो अपनी जगह से ना हिले और वहीं पे लॉक हो जाए। अब मैंने दोबारा से अपना कंसीलर लिया हुआ है फॉरएवर 52 का ही और अपनी आईज़ के ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ ताकि मेरी आईज़ भी अच्छे से कंसील हो जाए। जहाँ जहाँ पर मेरी आईज़ में कालापन है वहाँ वहाँ पे वो भी कंसील हो जाए और बाद में हम इस पर बहुत सिंपल सॉबर सी आई शेडो अप्लाई करके एक लुक भी क्रिएट करेंगे। इसको भी आप ब्रश से अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और बाद में इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। आईज़ के ऊपर ब्लेंड करना बहुत ईज़ली नहीं होता है क्योंकि बार बार क्रीज लाइन आ जाती है, इसीलिए आईज़ के ऊपर इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बार बार ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम अपनी आईज़ को ब्लिंक करते जाते हैं तो बार बार क्रीज लाइन आती जाती है। तो आप कोशिश कीजिए जैसे ही आप अपनी आईज़ के ऊपर कंसीलर लगाते हैं या आई बेस लगाते हैं साथ ही साथ आप अपना आई शेडो अप्लाई कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है, मैंने फाउंडेशन लगा लिया, फाउंडेशन को सेट कर लिया, उसके बाद मैंने अपनी आईज़ पे भी कंसीलर फाउंडेशन बेस लगा लिया हुआ है। अब मैंने आईज़ को सिंपल मैंने एक ऑरेंज रेड कलर की टोन का बी परफेक्ट की मेरी पैलेट है जिसमें से मैंने रेड ऑरेंज कलर लिया हुआ है जिससे मैं अपनी क्रीज लाइन को सेट कर रही हूँ। आज हम सिंगल शेड आई शेडो कर रहे हैं जो कि बिगनर फ्रेंडली होता है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, सिंगल शेड इसमें यूज़ किया जाता है। मैंने क्रीज लाइन से उसको स्टार्ट करके बिल्कुल उसको पूरी आईज़ के ऊपर ब्लेंड किया हुआ है। आपको आई शेडो को ज़्यादा फैलाना नहीं होता है, हल्का सा उसकी जो हार्ड लाइन होती है उसको ब्लेंड करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक का यहाँ पे एक तरह से ग्लिटर या शिमर ले रही हूँ। ये जेल की फॉर्म में है, हाइलाइटर भी इसको बोलते हैं। ये जेल हाइलाइटर है जो आईज़ के लिए बना हुआ है। आपको इसको अपनी फिंगर के ऊपर थोड़ा सा लेना है। आई वुड सजेस्ट कि ब्रश से ना ले, फिंगर से ही ले, क्योंकि फिंगर से जब हम अप्लाई करते हैं एक तो हमारे फिंगर्स की गर्मी से हीट से वो मेल्ट होता है और वहाँ अच्छे से ब्लेंड होता है, और दूसरा ब्रश से लगाने से आधा प्रोडक्ट ब्रश में ही चला जाता है और आईज़ के ऊपर कम आता है। फिंगर से लगाइए तो आपको इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा मिलेगी, कलर भी अच्छा आएगा और सारा प्रोडक्ट आपका आईज़ के ऊपर लगेगा। देखिए मैंने फिंगर पे छोटा सा एक हल्की सी ड्रॉप ली थी और पूरी आईज़ के ऊपर उसको लगा रही हूँ तो कितना सुंदर कलर आया है। ये मैं एक तरह से आपको कट क्रीज, हाफ कट क्रीज करना बता रही हूँ, लेकिन वो भी बिना टेक्निकल हुए। सिर्फ आपको फिंगर से प्रोडक्ट लेना है और उसको आपको इस तरीके से लगाना है हाफ आई के ऊपर कि ऐसा लगे कि आपने हाफ कट क्रीज किया हुआ है। अपनी आईज़ के साथ ही आपको वो शेप बनानी है। बाद में अगर आपको लगे कि आपकी शेप अच्छे से नहीं बनी हुई है तो मैं एक साइड से आपको ब्रश की हेल्प से भी बता देती हूँ। आपने ब्रश के ऊपर एक फ्लैट ब्रश लेना है, ब्रश के ऊपर आपको वो जेल हाइलाइटर लेना है जो शुगर कॉस्मेटिक का मैंने दिखाया था आपको, उससे आपको हाफ कट क्रीज क्रिएट करनी है। जब आप हाफ कट क्रीज क्रिएट कर लोगे तो आपको उसको पूरी आईज़ के ऊपर जो हाफ आई है हमारी उसके ऊपर स्प्रेड करना है और उसको ब्लेंड करना है। एक साइड मैंने आपको फिंगर से करके दिखाई है, दूसरी साइड मैं आपको ब्रश के साथ करके दिखा रही हूँ। आप बिगनर्स के लिए जो भी आपको ठीक लगे आप दोनों ही तरह से प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप फिंगर से भी प्रैक्टिस करके देखिए और एक बार आप ब्रश से भी प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि हम ब्यूटी लाइन में होने की वजह से हमें हर तरह की टेक्निक आनी बहुत ज़रूरी है।
चाहे हम बिगनर हो, लेकिन धीरे धीरे हम एक्सपर्टीज पर आ ही जाते हैं और परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। अब मैं साइड से ब्रश में वही रेड ऑरेंज कलर को लेकर उसको ब्लेंड करूँगी ताकि कहीं पे भी हार्श लाइंस या एडजस ना दिखें। आपको अपने पूरे आई शेडो को आपस में मिक्स कर लेना है। अब मैं लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ जो मैं अपनी आईज़ के ऊपर लाइनर लगा रही हूँ। आपको लाइनर हमेशा ही पहले पतला लगाने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आपको मोटा करना है। कहीं से आपको लगे कि मोटा करने की ज़रूरत है तो ही मोटा कीजिए, स्टार्टिंग में आप इसको पहले पतला ही लगाइए। मैंने इनर कॉर्नर थोड़ा सा छोड़कर आगे से लाइनर लगाना शुरू किया है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे अगर ब्रश में ज़्यादा लाइनर आ जाए तो वो हमारे इनर कॉर्नर को ख़राब ना करे, गंदा ना करे, क्योंकि फिर बाद में उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो सेंटर में हमेशा ज़्यादा लगाना चाहिए। अच्छे से आईलाइनर लगा लीजिए, विंग बना लीजिए। मैंने लैक्मे का ही काजल भी यूज़ किया हुआ है और मेरे पास PAC की ब्राउ किट है जिससे मैं अपने आईब्राउज़ को इन्हेंस कर रही हूँ। आप भी चाहे तो आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस से कोई भी आईब्राउ किट ले सकते हैं, कोई भी काजल ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर कॉस्मेटिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि आपको कौन कौन से ब्रांड के वीडियो कॉस्मेटिक लेने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की रेंज आपको बताई है। ये अब मैं मेबलिन के मस्कारा से अपनी आई लैशेस को मस्कारा लगा रही हूँ। अब बारी आती है, हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट पूरा हो चुका हुआ है। देखिए सिर्फ 5-10 मिनट्स में ही हो गया। अब मैंने डेली फॉरएवर 52 की लिप ग्लॉस लिप शेड लिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा क्यूट है। इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं लिंक पे दे दूँगी कौन सी लिपस्टिक मैंने लगाई है, इसका शेड नंबर क्या है। आप अपने पसंद से कोई भी आपका जो फेवरेट शेड हो वो लगा सकते हैं। लिक्विड लिपस्टिक का फ़ायदा ये रहता है कि अलग से आपको आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके ब्रश इतने स्टीक होते हैं कि वो आईलाइन जो हमारे लाइन हम बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, वो आसानी से क्रिएट कर देते हैं। अगर हम नॉर्मल जो लिपस्टिक होती हैं, बुलेट लिपस्टिक भी उनको बोलते हैं, या कॉमन जो लिपस्टिक होती हैं, उससे हमारी आउटलाइन इतनी अच्छे से नहीं बनते। जब आपने पूरा मेकअप कर लिया हो तो अब बारी आती है मेकअप को सेट करने की। मेकअप फिक्सर से या सेटिंग स्प्रे से आप अपने मेकअप को सेट कर लीजिए। अब लास्ट बट नॉट दी लिस्ट आई लैशेज। आई होप आपको मेरी ये आज की लुक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सके। टिल देन बाय।